शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंगनघाट शहर में 8 दिन पहले ही कोरोना संक्रमित विद्युत महावितरण के 3 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद फिर एक कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्रमित लड़की चेन्नई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो 12 जुलाई को चेन्नई से नागपुर ट्रेन से आई है और वह हिंगनघाट आई थी, जिसके बाद उपजिला अस्पताल में उसकी जांच की गई और जांच के बाद उसे सर्दी खांसी जैसे लक्षण मिले। तब शुक्रवार को उसका स्वैब सैंपल लिया गया, जिसमें उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया। उसके बाद से ही शहर में हलचल मच गई। उसके चलते आरोग्य विभाग, तहसील विभाग, नगर परिषद और पुलिस प्रशासन हरकत में आकर उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर संक्रमितों को कस्तूरबा रुग्णालय सेवाग्राम भेजा गया और संक्रमित के परिवार वालों के स्वैब लेकर आगे उपचार के लिए आइसोलेशन में रखा है। उसी तरह संक्रमित के संपर्क में आए सभी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है और परिसर के आसपास के 100 परिवार कंटेनमेंट जोन में आए हैं, जिसके चलते झांसी रानी चौक से लेकर सिंगर किराना तक सील किया गया है और संक्रमित के परिवार वालों के स्वैब लेकर आगे के उपचार के लिए आइसोलेशन में रखा गया। अपने हिंगनघाट मध्ये यशवंत नगर मध्ये असलेली एक पेशंट पॉझिटिव्ह आलेला आहे। तिची हिस्ट्री अशी आहे का ती रेल्वेने चेन्नईवरून नागपूरला आली होती आणि नागपूरवरून ती आपल्या हिंगणघाटला 11 तारखेच्या रात्री आली। तिला आपण होम क्वारंटाईन स्वतंत्र राहण्याची व्यवस्था असल्यामुळे तिच्या घरीच आपण स्वतंत्र राहण्याच्या व्यवस्थेत होम क्वारंटाईन केलेलं होतं। या गुरुवारला तिला ताप आणि सर्दी असा त्रास झाल्यामुळे तिनं पॅरासिटामॉलची गोळी वगैरे घेतली होती, परंतु शेवटी मग तपासणी करायची म्हणून शुक्रवारला ती आपल्याकडे आली। तिला आयसोलेशनला भरती करण्यात आले आणि तिचा स्वॅब पाठवण्यात आला आणि रात्री तिचा स्वॅब पॉझिटिव्ह आलेला आहे कोरोनाच्या टेस्टसाठी। आता याचं प्रतिबंध करण्यासाठी हा यशवंतनगर एरिया आखणी करून कंटेनमेंट करण्यात आलेला आहे आणि पुढची कारवाई सर्व सर्वे वगैरे करून नवीन काही कोणी रुग्ण आहेत का ते शोधून त्या पद्धतीनं पुढील कार्यवाहीचं नियोजन झालेलं आहे आणि सुरुवात पण झाली। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येणोरकर की रिपोर्ट।